चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही समय रह गया है और उत्तराखंड शासन ने यात्रा शुरू होने से पहले ही एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल उत्तराखंड शासन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यात्रा शुरू होने के 15 दिनों में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनों को नहीं कराने का फैसला लिया है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को वीआईपी मूवमेंट के कारण किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 10 मई को खुल रहे हैं और इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुल रहे हैं। वहीं अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 18 लाख से पार पहुंच गया है। अभी तक सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए किया गया है। इस साल चारधाम यात्रा के लिए होने वाले पंजीकरण को देखते हुए ये आशा जताई जा रही है कि इस साल इस यात्रा में नए रिकॉर्ड बनेंगे। पिछले साल 56 लाख यात्रियों ने चारधाम की यात्रा की थी और अगर आप भी चारधाम यात्रा के लिए आना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरह से पंजीकरण करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।